Run! 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 धीर सिंह को भी मार डाला, 3 गोलियां मारी उसे, वो नहीं मरा। माधव, माधव। सुना, सुना, वो माधव ही भेड़िया है। I told you he's a werewolf। क्या पागलों जैसी बातें कर रही हो? हाँ, तो पूछो रोहित से, रोहित उन्हें बताओ, please। रोहित, तू बता, तूने माधव सिंह को भेड़िया बनते हुए देखा? हाँ। नहीं, नहीं। लेकिन जिस कमरे में माधव सिंह गया था, थोड़ी देर बाद उसी कमरे से वो भेड़िया बाहर आया था। यार तुम भी कैसी बातें करते हो? ऐसा नहीं हो सकता कि वो भेड़िया माधव सिंह के कमरे में छुपा हो और उसने माधव सिंह को मार डाला हो और फिर निकला हो। मानव भेड़िया, वेयरवुल्फ। बच्चों, खाना तैयार है, जल्दी चलो। कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा? देखो, आज मांसाहारी बना है। तुम्हें बहुत पसंद है ना? मुझे भी बहुत पसंद है। क्या कहा? भूख नहीं? लेकिन मैं तो बहुत भूखा हूं। हाँ, देखो, तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट हैं। अगर 10 मिनट में तुम नहीं आए ना, तो तुम्हें भूखा ही मरना पड़ेगा। मेरा मतलब है, भूखा ही रहना पड़ेगा। वो हम सबको मार डालेगा। मैं मरना नहीं चाहती, मरना नहीं चाहती। इस तरह हम सबको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हिम्मत? क्या हिम्मत? एक मामूली सी लोमड़ी को तो मार नहीं सकता है, और भेड़िया मारने की बात करता है। तो ठीक है, बैग यहाँ और मर, और अपनी मौत का इंतजार कर यहाँ बैठे बैठे। उसे इस कमरे में आने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। सोचो, वो भेड़िया करतार सिंह के आसपास भी नहीं भटकता था, फिर क्यों? क्यों उसने उसे कल रात ही घुमाया? करतार सिंह जब कल पहली बार हमारे पास आया था, उसके हाथ में एक लकड़ी थी, नोक वाली। और जब वो दूसरी बार आया, तब उसके हाथ में वो लकड़ी नहीं थी, और तभी उस भेड़िए ने उस पर हमला किया। इसका मतलब वो भेड़िया करतार सिंह के भाले से मर सकता था। वाला, आ जाओ।
कल जब उस भेड़िया ने करतार सिंह को मारा था तो भाला यहीं पड़ा हुआ था। करताजी बहुत बहुत शुक्रिया। सॉरी करताजी बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नहीं होते तो क्या आप लोग उसे मार डालते? मुझे तो फक्र है कि मुझे आप जैसे बहादुर जवानों का साथ मिला और हमने मिलके उस भेड़िया का अंत कर दिया। चलेंगे आप देहरादून हमारे साथ? मेरा तो ये जंगल ही घर था। अच्छा करताजी, थैंक यू। चलो भैया।